अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि स्किल टेस्ट में क्या करना पड़ता है, क्या होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट होते हैं महारत का टेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं, आप उनके किसी काम के हैं या नहीं हैं। ठीक है, महारतों के टेस्ट के लिए टास्क से मुतल्लिक हदायात 3 मिनट जाँच की मुद्दत होती है। कोरियाई ज़बान में कुछ सवाल जवाब होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं, आपने कोरिया में उनके उसी उनकी लैंग्वेज में जवाब देने होते हैं। ठीक है, और जो इंटरव्यूअर होता है उसके बताए गए इकदाम पर अमल करना होता है। ठीक है, इंटरव्यू के जो कुछ वो कहते हैं ना कि ये जुमला पढ़े कोरिया ज़बान में, वो पढ़ना होता है। मालम के ज़रिए पेश करदा आलात को कोरिया ज़बान में नाम बताने होते हैं कि ये आलात है, ये इसे क्या कहते हैं। ठीक है, इन आलात को उठा के उनके हिसाब से, जो उनसे आलात होती हैं उनके हिसाब से जो काम सामने होता है वो काम करना होता है। अपने तजर्बे से मतलब किए गए सवाल जवाब का सही जवाब देना होता है। एप्लीकेशन के लिए रहनमाई असूल है। ठीक है, ब्रेक ग्राम इस हकीकत से आगाह रहें कि अगर आप अपने काम के तजर्बे से मतलब नाकस मालूम फराम करते हो तो आपको कम से कम मार्क मिलेंगे। ठीक है, कम नंबर मिलेंगे अगर आप मालूम आपके पास कम है। तो हर सवाल को जवाब देने के लिए आपको वाहिद मौका दिया जाएगा, आपके इंटरव्यू को फिल्माया जाएगा और इससे कोरिया में कारोबार के मालकान के पास भेजा जाएगा। मतलब कोरिया में जो सी फैक्ट्रीज होंगी उधर जाके आपका ये भेजा जाएगा, जो आपकी सीवी बनेगी। ठीक है, कोरिया ज़बान में ना बुनियादी तारुफ होता है, हेलो अनियों घा से हो, जैसे हम सलाम करते हैं ना उधर अनियों घा से हो, सलाम को ऐसे कहते हैं। तो अगर नाम बताना है आपने, मेरा नाम डैश है, छे इमोहन डैश इमनिदा, आपसे मिलकर खुशी हुई, मन्ना सो भंग सुमनिदा। ठीक है, मेरी उम्र 10 साल है, 6 9 10 साल इमनिदा, मेरी उम्र 10 साल है, आपसे अच्छे तावन की दरख्वास्त या उम्मीद करता हूँ, छल फूतो थी राम निदा। बुनियादी कोरियाई मुकालमा, ठीक है, जो उनसे बुनियादी सवाल होते हैं। ठीक है, हेलो अनियोंग आसे हो, अगर दूसरा बंदा आप बोलेगा तो ने अनियोंग आसे हो, दूसरा बंदा भी हेलो ही कर रहा होगा अपने अल्फाज में, आपसे मिलकर खुशी हुई, मन्नस हो फंग अब सुपनिदा, आपसे मिलकर खुशी हुई, मन्नस हो फंग अब सुमनिदा। अगर आप किसी से पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, नाम क्या है, ठीक है, एरुम मवो यो, मेरा नाम डैश है, छे एरुमुन अली इब्निदा, मेरा नाम अली है, मतलब कि मेरा नाम डैश है। अगर किसी से उम्र पूछनी है तो आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, नाइगा मियत साल ए ओ, मेरी उम्र 10 साल है, 6 9 10 साल इमनिदा, मेरी उम्र 10 साल है, कौन सा काम करते हैं आप, मोसोन इरुल हेयो, मैं डैश फैक्ट्री में काम करता हूँ, 6 9 10 आवासेयो, 6 9 10 आवासा है दा नि दा, आपका मशकला क्या है, छवी मिगा मवोए हो, मेरा मशकला डैश है, छे छवी मिनुन डैश इमनिदा, आपकी तारीख पैदाइश क्या है, सेंगली ओंजे हो, मेरी तारीख पैदाइश डैश महीना और डैश तारीख है, छे सेंगली नुन डैश वुल डैश इल इमनिदा। कोरिया क्यों जा रहे हो, अंगु के वे गायो, कि कोरिया क्यों जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहा हूँ। कोई पूछता है कोरिया क्यों जा रहे हो, आप कोरिया ज़बान में कह सकते हैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे इल हारो खब निदा, क्या आप शादीशुदा हैं, ने छुल हन हेंग सुप निदा, कि आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बोलेंगे ने क्यों हन ए सुप निदा,
अगर आप शादीशुदा नहीं है तो बोलेंगे आनिया, मतलब वो पूछ सकते हैं आप कितने सेंटीमीटर के, आपका कद कितना है। की गा मेत सेन था मी थो ये वो, ठीक है आप बता सकते हैं। छे की नुन डे सेन थी मी थो इमनी दा, वो पूछ सकते हैं अभी कितने बजे, टाइम क्या हुआ है। छी गुन मेत से यो मेत शी ए यो, आपने बनाना है डैश शी बुन इमनिदा डैश घंटा डैश मिनट बजे हैं, ठीक है। साथ ये गुज़िश्ता कल कौन सा दिन था, गुज़िश्ता कल डैश दिन था, ये आप देख लें वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सवाल होते हैं कुछ, ये देख लें, जैसे अभी कितने बजे हैं, गुज़िश्ता कल कौन सा दिन था, गुज़िश्ता कल डैश दिन था, आज कौन सा दिन है, आज डैश दिन है, आइंदा कल कौन सा दिन है, आइंदा कल डैश है, आइंदा गुज़िश्ता कौन सी की तारीख से है, गुज़िश्ता ये महीना है, आज कौन सी तारीख है, आज ये तारीख है, गुज़िश्ता कल कौन सी तारीख है, आइंदा ये महीना ये तारीख है, ठीक है। मशीन में अगर मसला बन जाए तो क्या करोगे, फैक्ट्री मैनेजर से दरख्वास्त करूँगा, ठीक है। मशीन में मसला बन जाए, खिगे मंजेगा सेंगी म्यून ई म्यो गए हल गायो, फैक्ट्री मैनेजर से अब बात करूँगा। खोंग जांग जांग निप हन थे यो छोन हल खोप निदा, फैक्ट्री में ज़्यादा काम फैक्ट्री में काम ज़्यादा हुआ अगर क्या करेंगे, ठीक है। अपना काम ख़त्म करके साथी वर्कर की मदद करूँगा, साथी वर्कर के साथ कैसे तलकात वाबस्ता करोगे, अच्छे तलकात वाबस्ता करूँगा, क्या नंबर है 1 से 100 के दरमियान सही नंबर बताएं, ठीक है। उनके नंबर भी पूछ सकते हैं हरकत के मुताबिक। वो जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको बोल सकता है कोरियन ज़बान में कि अपना बराए करम अपना दायां हाथ उठाएं बायां हाथ उठाएं, ठीक है। और उन सुनिल अली से ओ ओ सुनिल अली से ओ, यंग सुनिल अली से ओ, और उन सुन और सुनिल नेरी से ओ, ठीक है। इस हिसाब से ऊपर देखें नीचे देखें दाएं देखें बाएं देखें सामने देखें पीछे देखें, ठीक है। तवीरुल पोसे हो पीछे देखें कुर्सी पर बैठ जाएं, हुई जाए अंजो से हो कुर्सी से उठ जाएं, पीछे की तरफ रुख कर लें सामने की तरफ रुख करें दाएं तरफ जाएं बाएं तरफ जाएं इस तरफ आएं रुक जाएं, ठीक है। निमछो से हो रुक जाएं इस तरफ आएं, ईरियो से हो। अब ये साजो सामान के नाम बताएं, साजो सामान की तस्वीरें होंगी, जैसे ये दस्ताने हैं, हिफाजती हेलमेट है, धूल बचाने वाला मास्क है, काम के कपड़े हैं, प्लास है, लंबे नोज़ वाले प्लास हैं, कटर है, पेचकस है, रेंच पाना आरी है, हथौड़ी है, फिर कटर है, ये ड्रिल मशीन है, कैंची है, इंची टेप है, मीटर है, तराजू है, पेचदार कील है, नट बोल्ट सीढ़ी लिफ्टर के लिए, प्लेट मेज़ गाड़ी दस्ती गाड़ी हाथ गाड़ी डब्बा टोकरी औजार बॉक्स औजार की अलमारी कूड़ा उठाने वाला झाड़ू बेलचा पर्सन की बोरी के बोरी मशीन स्प्रे आग बुझाने वाला आला मोमी रस्सी टेप नकास पंखा एग्जास्ट जिसे कहते हैं पर स्विच केबल रील बिजली की तार बिजली के लिए बोर्ड सर्किट ब्रेकर सर्किट टेस्टर फ्लैश लाइट
काम के लिए लाइट, उसके बाद आ जाती है ये ब्रेकिंग मशीन, एंटी कंप्रेसर, फोर्क लिफ्टर, ट्रम, कंट्रोल पैडल, चैन कपी, पाइप रेंच, सॉकेट रेंच, सिक्योरिटी मास्क, सर्कुलर सा, प्रोहिबिशन ऑफ मूविंग द एटम्स, मतलब कि यहाँ एटम को आगे पीछे नहीं करना, हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी वार्निंग है कि यहाँ करंट है, एक्सागोन वेंच, ठीक है, कॉशन फ्लेम है, बोल भाई इधर आग नहीं लगानी, आग लग सकती है, सेफ्टी हेलमेट है, वाइस है, एप्लीकेशन के लिए रहनुमा असूल, किसी हादसे को रोकने के लिए इजाफी नगाशत करें, हर सेशन को शुरू और ख़त्म करने के लिए मालूम के सिग्नल की तलकीद करें, अगर आप टेस्ट शुरू होने से पहले या इसके ख़त्म होने के बाद काम अंजाम देते हैं तो आपको कम से कम मार्क मिलेंगे, सेशन को ख़त्म करने के लिए मालूम का सिग्नल पर मिलने, काम को फौरन बंद करें और अपने काम की जांच होने तक इंतज़ार करें, जांच के बाद टेस्ट करने के तमाम हालात को अगले दरसंगान के लिए असल जगह पर वापस रख दें, काम को फौरन और ठीक तरह से अंजाम दें, गैर ज़रूरी ताकत या अमल इस्तेमाल करके टेस्ट करने के हालात को बर्बाद करने से कम मार्क्स मिलने का सबब है, अगर आप हदायत की तामील करने में नाकाम रहते हैं या बदनज़मी का सबब बनते हैं तो आपको टेस्ट करने से कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। महारत का टेस्ट होता है इस तरीके का, अब जैसे ये नीचे चीज़ें पड़ी हुई होंगी तो रंग शक्ल और रजम के एतबार के बोर्ड को ठीक तरह से पिन लगाएं, ये अब जौन सी पिन जिस जगह फिट होती है, चौरस है, गोल है, छोटे चौरस हैं, ठीक है, उधर अपनी अपनी जगह पे यूँ पिन लगानी है। टास्क वन था, ये टास्क टू है, अब ये एक बोल्ट है और साथ रिंग है, रिंग को अब ये इधर फोटो बनी हुई है कि जो ज़्यादा चैड़ा है उसको उसकी जगह पे, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, यूँ करके इस फोटो के हिसाब से लगा देना है, ये फोटो देख सकते हैं आप। उसके बाद ये नट बोल्ट टाइट करने हैं डायग्राम के मुताबिक, अब ये बना हुआ है कि तीन ऊपर तीन नीचे, अब तीन बोल्ट ऊपर तीन नीचे लगा दिए, अब ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला, ठीक है, यूं ही इस जगह लग गए हैं बी, अब सी टाइप है, एक छोड़ के एक लगा देना, अब डी टाइप है, मुख्तलिफ एक्सागोन टाइप, उसके बाद ई में आ जाता है, पहले चार छोड़ने हैं बाकी सब में लगा देने हैं, ये आ गया, बोलेंगे कि पेट्रोल या पानी जो भी है वो मीटर में इतना भर दें, ठीक है, उस हिसाब से मीटर में ना ज़्यादा भरना है ना कम, हाथ की पावर चेक करने के लिए वो हाथ से प्रेस करके आपको समझ लग जाएगी कि आप कितना वज़न उठा सकते हैं, कमर की पावर को चेक करने के लिए इस मीटर से ऊपर खींचना होगा, ये होता है स्किल टेस्ट, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट करके बताएं।